₹400-800 या फिर अप टू ₹8,000 तो बिल्कुल राइट वीडियो पे आओ। आज के इस वीडियो में मैं आपको बेस्ट फोन बताऊंगा मार्केट में जो अभी चल रहा है अंडर ₹8,000 और अप टू ₹8,000। तो वीडियो ढूंढ रहे हो तो बिल्कुल राइट वीडियो पे आओ। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम आशित गोपाल। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पहले फोन से। तो उस फोन का मैं आपको नाम नहीं बताऊंगा, सबसे पहले इसके स्पेसिफिकेशन से चालू करते हैं। तो आप इस फोन को अमेजोन से परचेस कर सकते हैं, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इस फोन का प्राइस ₹8,000। इसके फीचर की बात करूं तो इसमें आपको डुअल कैमरा मिलेगा 13+2 मेगापिक्सल का। इसमें से जो 13 मेगापिक्सल का कैमरा है वो प्राइमरी कैमरा है और जो 2 मेगापिक्सल है वो डेप्थ सेंसिंग के लिए। और साथ ही साथ इसका जो कैमरा है वो सोनी के सेंसर के साथ आता है, सोनी IMX486। अब जहाँ बात आती है सोनी की, तो जो कैमरा का क्वालिटी वो अच्छा ही होगा। अब इसका जो डिस्प्ले है वो 6.26 इंच का HD+ डिस्प्ले आता है। और साथ ही साथ इसमें आपको 3GB का रैम, 32GB इंटरनल स्टोरेज मिलेगा। और सबसे अच्छी बात, इसमें आपको जो दोनों सिम स्लॉट है उसमें आप 4G चला सकते हैं। अगर आप जियो का 2 4G सिम यूज़ कर रहे हो या फिर 1 एयरटेल और 1 जियो सिम यूज़ कर रहे हो तो आप इजिली इसमें चला सकते हो, क्योंकि दोनों सिम कार्ड में 4G सपोर्ट करता है। और साथ ही साथ इसमें आपको एंड्रॉयड 9.0 पाई मिलेगा, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। 4000mAh का बैटरी है और इसमें आपको 1 ईयर का वारंटी मिलेगा इसके फ़ोन में, और 6 मंथ का वारंटी मिलेगा इसके चार्जर, ईयरफोन तो वैसे देगा नहीं, चार्जर के ऊपर। ओके, सो ये सब है। और इस फ़ोन का जो नाम है वो एक LG का फ़ोन है, LG W30 करके। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इसे आप वहाँ से इजिली परचेस कर सकते हैं। अगर मैं इसके कुछ कॉन्स की बात करूँ तो इसका डिस्प्ले थोड़ा सा और अच्छा रहता तो अच्छा रहता, बाकी ओवरऑल ये फ़ोन अच्छा है। ₹8,000 में ये वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन है। अब बढ़ते अप टू ₹8,000 फ़ोन, यानी अंडर ₹10,000 वाले फ़ोन की तरफ, जिसमें से 3 फ़ोन है, जिसमें से मैं आपको 2 बताऊँगा। क्योंकि एक जो फ़ोन है रेडमी नोट 8 वो फ्लैश सेल में मिलता है, अगर ऑफलाइन मिल गया तो वो ₹500 एक्स्ट्रा चार्ज करके लेगा। अगर आप ले सकते तो आप उसे परचेस कर लीजिए, वो काफ़ी अच्छा फ़ोन है। सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ रेडमी नोट 8 से ही, उसका स्पेसिफिकेशन मैं आपको बता दे रहा हूं। तो ये हाल ही में फोन लॉन्च हुआ है Redmi Note 8, और ये फोन सिर्फ ₹10,000 में 48 मेगापिक्सल क्वाड कैमरा के साथ आता है। यानी 48 मेगापिक्सल का कैमरा है, वो भी 4 कैमरा दिया बैक में, और फ्रंट में 13 मेगापिक्सल का कैमरा है। और ये जो इसका डिज़ाइन है वो इसमें आपको वाटर ड्रॉप नॉच मिलेगा, काफ़ी प्रीमियम सा डिज़ाइन है। इसका जो बैक का लुक है, ग्रेडियंट लुक, वो भी काफ़ी अच्छा। 6.3 इंच का IPS LCD डिस्प्ले मिलेगा, और इसमें आपको दोनों सिम में, जैसे कि LG में मिल रहा था 4G सिम यूज़ कर सकते हैं। ओके, 4GB का रैम है, 64GB इंटरनल स्टोरेज है। इस प्राइस पॉइंट में अभी जो आ रहे हैं सिर्फ वही सब फोन है जो आपको 4GB रैम और 64GB इंटरनल स्टोरेज दे रहे हैं। ओके, एंड्रॉइड 9 पाई के साथ आता है, जो कि लेटेस्ट और स्नैपड्रैगन 665 के साथ आता है। 4000mAh का बैटरी और 1 ईयर वारंटी सेम इसके साथ भी है, 1 ईयर का वारंटी मिलेगा और 6 मंथ का बाकी एसेसरीज में मिलेगा। सो ये भी काफ़ी अच्छा फ़ोन है, लेकिन सबसे इसकी बुरी बात है कि यार बुरी नहीं, इसमें ये एकदम लिमिटेड एडिशन टाइप से आपको इसे फ्लैश सेल से परचेस करना पड़ेगा, और इसके फ्लैश सेल में काफ़ी रश रहता है। तो मैंने फ्लैश सेल के ऊपर भी काफ़ी सारे वीडियोज़ बनाई, आप चेकआउट कर सकते हैं, आपको आई बटन मिल जाएगा यहाँ या फिर यहाँ आप देख लीजिएगा। अब ये हो गया फ़ोन, अब बाकी 2 फ़ोन के ऊपर आते हैं जिसे आप कभी भी ईजिली परचेस कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इसे भी आप अमेजोन से ही परचेस कर सकते हैं। तो ये जो फ़ोन है काफ़ी ट्रेंड में चल रहा था, ये Realme 5। इसमें भी आपको 4 कैमरा मिलेगा, काफ़ी अमेजिंग सा डिज़ाइन है, वाटर ड्रॉप नॉच मिलता है, 3GB का रैम है, 32GB इंटरनल स्टोरेज है। इसमें आपको 3GB वाला वेरियंट मिल रहा है, अगर आप थोड़ा और इन्वेस्ट करेंगे तो आपको ये 11-12,000 पड़ जाएगा 4GB रैम वाला वेरियंट के, लेकिन अंडर ₹10,000 में ये भी एक काफ़ी अच्छा फ़ोन है। 12+8+2+2 मेगापिक्सल का 4 कैमरा है विथ LED फ्लैश। फ्रंट में आपको LED फ्लैश नहीं मिलेगा क्योंकि नॉच के साथ आता है। और इसमें आपको जो बैटरी वो है 5000mAh की, और 5000mAh यानी बहुत ज़्यादा बैटरी, आप इसमें ईजिली गेमिंग कर सकते हैं, मूवी देख सकते हैं या फिर कुछ भी हो, जो ज़्यादा बैटरी खींचता है वो काम आप कर सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छा चलेगा। 5000mAh काफ़ी ज़्यादा बैटरी। बात करते हैं इसके प्रोसेसर की, तो क्वालकम स्नैपड्रैगन 665 के साथ आता है 2GHz प्रोसेसर के साथ, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। तो ओवरऑल बोला जाए तो ये भी फ़ोन आपके लिए काफ़ी अच्छा ऑप्शन है, अगर आप अंडर ₹10,000 फ़ोन ढूंढ रहे हैं तो आप इसे भी परचेस कर सकते हैं Realme 5 को। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, तो ये भी एक फ़ोन हुआ। अब बढ़ते अपने नेक्स्ट फ़ोन की तरफ, जो कि एक लास्ट फ़ोन है बोल सकते हैं, जो कि है Realme 3i। ये भी सेम Realme 3i है, और सबसे अच्छी बात, इस फ़ोन में आपको 4GB रैम और 64GB इंटरनल स्टोरेज मिलेगा सिर्फ ₹9,999 में। यानी इतने सस्ते में ये आपको 4GB रैम दे रहा है प्लस 64GB इंटरनल स्टोरेज दे रहा है। ये सेम Realme 5 की तरह है, लेकिन थोड़ा सा इससे छोटा है और ग्रेडियंट कलर के साथ आता है। इसका भी लुक काफ़ी प्रीमियम फीलिंग देता है, क्योंकि
प्रीमियम स्मार्टफोन लगता है एक हिसाब से बोला जाए तो। 6.22 इंच का इसमें HD प्लस डिस्प्ले है, लेकिन इसमें आपको सिर्फ दो कैमरा मिलेगा, 13+2 मेगापिक्सल का और सेम 13 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है। 4230 mAh का बैटरी है, जो कि बैटरी कम है फिर भी ठीक ठाक है, 4230 भी काफी ज्यादा बैटरी होता है। सेम एक साल का वारंटी इसमें भी है, 6 मंथ का बाकी ऐसे सीरीज पे दिया हुआ है, जो कि काफी अच्छी बात है। इसे भी आप परचेस कर सकते हैं अगर आपका मन हो तो। अगर मैं बोलूँ तीनों में से अगर आप 8000 परचेस करें तो आपके पास सिंपल वही है, बाकी और भी फोन है जैसे कि सैमसंग का M10 है, उसे भी परचेस कर सकते हैं अंडर 8000 रुपीज वाले की बात कर रहा हूँ। और इन्फिनिक्स के भी फोन है काफी सारे, लेकिन ये जो LG का फोन है वो काफी अच्छा फोन है, आपको इसके ऊपर इजिली ट्रस्ट भी हो जाएगा। ये अच्छा ब्रांडेड है, LG काफी अच्छी कंपनी है, तो इसे भी आप इजिली परचेस कर सकते हैं। और बाकी अब दूसरे दूसरे फोन की बात करें जैसे कि Realme 3i, Redmi Note 8, अब अगर आपको फ्लैश सेल से मिल जाता है तो मैं बोलूंगा Redmi Note 8 बेस्ट ऑप्शन है। ओके, अगर नहीं मिलता है तो आप अगर रैम के हिसाब से जाना है तो 3i ले सकते हैं या फिर Realme 5 ले सकते हैं। अगर मैं रहता तो Realme 5 परचेस करता अंडर 10,000 रुपीज में, अगर फ्लैश सेल से अवेलेबल रहता है अगर आज या कल रहता तो मैं सिंपल है यार Redmi Note 8 ही ले। तो ये था 3 बेस्ट बजट फोन जिसे आप इजिली परचेस कर सकते हैं अंडर 10,000 रुपीज या फिर अप टू 8K, ये बेस्ट फोन है अभी जो मार्केट में चल रहे हैं। तो बस ये था वीडियो, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा मेक श्योर आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपको इसके रिलेटेड कुछ भी डाउट है, यानी कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट करके बताइए, मैं उसका रिप्लाई आपको जरूर दूंगा, तुरंत आपको रिप्लाई मिल जाएगा क्योंकि मैं अपने जो कमेंट सेक्शन में काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ। तो बस मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दीजिए और इससे वीडियोज़ में लाते रहूँगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई एम आशित गोपाल एंड आई एम साइनिंग ऑफ।